एक ऐसा देश जिसके आर्मी मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे ये नंबर लिखो तो आपका आंसर हेलो आएगा। एक ऐसा देश इंडिया का एक रुपया 571 रुपीस होता है। और क्या आपने कभी सोचा है क्वाइन के नीचे डॉट क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 20 दोस्तों, आपने एप्पल तो खाया होगा, पर आपको इसका अंदाजा है एप्पल्स के कितने वैरायटीज होते हैं? दोस्तों आपका जवाब होगा 9 या 10, लेकिन मैं आपको बता दूं एप्पल्स के 7000 वैरायटीज मिलते हैं और उनमें से 12 वैरायटीज मार्केट में सोल्ड होता है। और कुछ एप्पल तो इतने महंगे भी होते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि सिकाई इची एप्पल। दोस्तों इसका रेट 9000 रुपए है मात्र 6 एप्पल के। फैक्ट नंबर 19, ये फैक्ट काफी अजीब है दोस्तों। एक आदमी था 66 साल का और उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगा। जब वो डॉक्टर के पास गया चेकअप कराने के लिए, तब उसे पता चला वो एक आदमी नहीं बल्कि औरत है और उसने अपनी जिंदगी का 66 ईयर आदमी बन के गुजार दिया। उसका कहना था कि उसकी मम्मी पापा बचपन से ही उसे लड़के जैसा ट्रीट करते थे, इस वजह से उसे पता नहीं चला कि वो एक लड़का है या लड़की। फैक्ट नंबर 18, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। 23 ईयर से ही उनको टीथ में प्रॉब्लम थी और उन्हें नकली दांत यूज करनी पड़ती थी, पर वो टीथ प्लास्टिक के नहीं बल्कि असली मांसपेशियों से बने होते थे, इसलिए उन्हें बदलवाना पड़ता था। और तो और ये भी पता चला है कई बार उन्होंने अपने कर्मचारी और नौकरों के दांत यूज करने पड़ते थे अपने आप को अच्छे दिखने के लिए। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी सोचा है ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से किसी को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया हो? अगर आप सोच रहे होंगे ये कोई मजाक है, तो मैं आपको बता दूँ ये कोई मजाक नहीं है। सऊदी अरेबिया में रहने वाला ओमान बोरकान अल गाला को देश छोड़ने के लिए बस इसलिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि वो इतना हैंडसम है। गवर्नमेंट को लगा इसकी सुंदरता इनके राजा को चैलेंज कर रही है। इतना हैंडसम होने की वजह से लड़की इनके प्यार में पागल हो जाएगी, इसलिए इन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब क्या नसीब है बेचारे की। फैक्ट नंबर 16, मैं आपको माइक्रोस्कोप की दुनिया का अमेजिंग चीजों को दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एक चींटी का सर है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक कैट का टंग है यानी कि जीभ, और ये जो आप देख रहे हो ये सैंड है यानी कि रेत। और ये देख के आपको क्या लगता है, सोच के देखो, ये एक असल में मच्छर का पैर है। फैक्ट नंबर 15, आपने कई देश के आर्मीज देखे होंगे और उनके हथियार भी, पर आपने ऐसा हथियार कहीं नहीं देखा होगा। इराक जो ऐसा देश है, आर्मीज मिसाइल लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। वो लॉन्चर गधों की पीठ पे बांध देते हैं और फिर मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। उनका मानना है कि इससे टाइम बचता है मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फैक्ट नंबर 14, कैलकुलेटर काफी काम की चीज है। आजकल उसके बिना मैथ करना मुश्किल है, भले वो रियल कैलकुलेटर हो या फोन पर। पर क्या आपको पता है कैलकुलेटर पे आप 0.7734 नंबर टाइप करोगे और उसे उल्टा करोगे तो हेलो स्पेल होगा। आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 13, गूगल हमारे एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कुछ भी सर्च करना क्यों ना हो गूगल पर आ ही जाता है। पर क्या आपको पता है गूगल पे कुछ यूनिक वर्ड है जो अगर आप सर्च करोगे तो कुछ यूनिक चीज होगी। आप सर्च करके देखो ISAAC बटरफील्ड, तो आपके सर्च करते ही गूगल सर्कल आपके सर्च को खा जाएगा। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ASKEW तो आपका सर्च पेज थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। आप सर्च करके देखो, अगर होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं, 8 पैर होते हैं? आपने सही पहचाना, ऑक्टोपस। पर क्या आपको पता है ऑक्टोपस जो है वो किसी भी छोटे जगह से निकल सकता है, भले वो होल 2 सेंटीमीटर का क्यों ना हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि दरअसल ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं होती है, बस मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टोपस आगे पीछे करके किसी भी छोटे से छोटे होल से निकल सकता है।
फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने कभी भी सिक्कों को गौर से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कॉइन के नीचे एंड में एक डॉट होता है। आपको पता है ये डॉट क्यों होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर सिक्कों के नीचे डायमंड शेप बना होता है तो वो सिक्का मुंबई में बना है, और अगर स्टार बना हुआ होता है तो वो सिक्का हैदराबाद में बना है, और अगर एक डॉट होता है तो वो नोएडा में बना है, और कभी कभी सिक्के इंडिया में नहीं बनते हैं तो इसमें सी शेप बना होता है और कुछ सिक्कों में ओ। फैक्ट नंबर 10, जब भी करेंसी की बात आती है सब लोग काफ़ी नाराज होते हैं क्योंकि इंडिया की करेंसी यूएस के सामने कम है। अब एक आईना है इजुकल टू 70 यूएस डॉलर, इंडिया की करेंसी भी सबसे कम नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे कमजोर करेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे वीकेस्ट करेंसी इराक की है जो काफ़ी ज़्यादा गरीब देश है, और यहाँ कुछ ही लोगों के पास पैसे है और बाकी पूरा देश गरीबी में है। इंडिया का एक रुपया इराक में 571 रुपीस होता है, और यूएस का एक डॉलर यहाँ 40,000 रील से भी ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए फैक्ट मिस्ट्री नॉलेजेबल वीडियो लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। Fuck off. Fuck off. Yeah.